और ये देखो अपने महादेव जी साथ साथ। मतलब मेरे तो गूज बम्स आ गए थे जब मैं यहाँ, वहाँ पे सामने कुदरत का नजारा रेनबो बना है, बहुत ही मस्त वाला रेनबो बना है, कुदरत का करिश्मा। कि अगर मॉरीशस आओ ना आप कभी तो इस जगह पर जरूर घूमिएगा। पूजा की थाली हो चुकी है तैयार और वहाँ से नदी आ रही है, सीधी आके समंदर में मिल रही है। भाई ने चाबी दी थी हमारे पास ताकि अगर हम गुम हो जाए तो। लो भाई आ गई अपनी थाली। वो उधर समंदर दिखाई दे रहा है, वो पहाड़ भी है, समंदर भी है, और ये है यहाँ का। इसका लिपस्टिक ख़त्म हो गया था, लिपस्टिक की शॉप में गई और वहाँ पे टेस्ट करके ले आई। मछली पकड़ रही है ये। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। तो भाई आज है 19 फरवरी और बजे है सुबह के 7। सो भाई आज हमने प्लान किया है मॉरीशस के एक फेमस टेम्पल में जाने का। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको मैं आज की मॉडल का, मिस मुंगा एंड मिस केरला कलीग मिस्टर एडिलन, और ये भाई मॉरीशस से ही है। हाँ, सो भाई निकल चुके हैं हम अपने रेजिडेंस एरिया से, साथ में अपने एडिलन ब्रो, एडिलन भाई। सो मौसम आज का बहुत ही अच्छा बना है, काफ़ी सही मौसम है आज का। सो आज हम जिस एरिया पे जा रहे हैं वहाँ पे गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। सो आज वेदर अच्छा, इसीलिए थोड़ा रिलीफ रहेगा गर्मी से भी। दिस इज़ नॉट गंगा तलाव, ये मैं कल, यस हाँ, यहाँ पे मैं कल आने का प्लान कर रहा था बट आ नहीं पाया, बट आज आ गया। तो भाई ये है कोविल टेम्पल, कोविल टेम्पल, कोविल मंदिरम। तो भोलेनाथ जी का मंदिर है सबसे पहले यहाँ पे, हर हर महादेव। और ये जो मंदिर है ये है कार्तिकेय भगवान का मंदिर है ये। एंड अभी यहाँ से ऊपर जाके सीढ़ियाँ चढ़नी है। यार ये फर्स्ट टाइम है कि मैं मॉरीशस में कोई पहाड़ चढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये मंदिर जो है वो बिल्कुल पहाड़ में जाकर है, ऊपर जाकर। सो ये है श्री कृष्ण जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, एंड यहाँ से जाती है सीढ़ियाँ ऊपर उस मंदिर के लिए। सो वी कैन गो फ्रॉम दिस साइड, एंड वहाँ से भी एक रास्ता था जाने के लिए। सो फाइनली भाई इतनी चढ़ाई करने के बाद पहुँच चुके हैं हम टेम्पल, और ये देखो मेरे पीछे का व्यू, पूरी सिटी यहाँ से दिखाई दे रही है। एंड ये देखो आप मेरे पीछे टेम्पल, मुरुगा टेम्पल इसे कहते हैं, कार्तिकेय भगवान का ये टेम्पल है। लो यार आपको यहाँ का एक टूर करवाता हूँ, और वो सामने व्यू देखो आप यार, मतलब मेरे तो गूज बम्स आ गए थे जब मैं यहाँ पे आया। एक तो बहुत टाइम बाद मैंने यहाँ पर पहाड़ चढ़ा है, और ऊपर से वो देखो व्यू यार सामने का, है ना मज़ेदार व्यू। वो वहाँ पे मॉरीशस है, वहाँ की राजधानी, मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस। एंड हम आए हैं अभी उस पहाड़ के पीछे से, वहाँ से हम आए हैं यहाँ। लुक दैट प्लेस, ऑसम। सो इस व्यू के बाद मैं आपको ले जाता हूँ टेंपल में, टेंपल में चलते हैं, दर्शन करते हैं पहले। ये भैया का मंदिर, सुबह ये है मंदिर, और ये देखो यार मंदिर से बाहर का व्यू ना मेरे को तो बहुत पसंद आया है, बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पहले तो उस साइड बिल्कुल खाली है, उस साइड ज़्यादा कुछ ज़्यादा बना नहीं है और खाली शहर है, और इस तरफ यहाँ पर शहर शुरू हो जाते हैं उधर,
और उस तरफ, और इस मंदिर के पीछे है एक पहाड़। और बहुत दिनों बाद मुझे आज मौका मिला यहाँ पे कि मैं पहाड़ पे चढ़ा हूँ आज बहुत दिनों बाद। ये देखो आप व्यू यार, कसम से मज़ा आ गया आज। अभी तो आप व्लॉग में बने रहिए, अभी तो मैं बहुत जगह पे जाना है आज, अलग अलग जगह पे घूमने जाना है। तो भाई उस मंदिर से मैं आ चुका हूँ वापस नीचे की तरफ, अभी हमें और जगह जाना है। एंड यहाँ पे देखो यार मोर दिखाता हूँ आपको, ये देखो मोर, मोरनी। एंड ये यहाँ पे मोर है ना, क्यूट सा मोर। सुबह ये था वो मंदिर जहाँ पर अभी हमने पूरा घूमा ऊपर जाकर। अभी मैं नेक्स्ट टाइम और आऊँगा, उस दिन हम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। उस मंदिर के पीछे भी रास्ता था, वहाँ पर मैं अभी नहीं गया हूँ, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो उस मंदिर के बैक साइड पर भी जाऊँगा। बट देखते हैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी हमें और भी कई जगह कवर करनी है, तो सारी जगह तो नहीं कवर हो पाएगी। तो चलो भाई निकल चुके हम यहाँ से, अब निकलेंगे हम किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर आए हैं, कुछ काम है यहाँ पे भाई का, देन इसके बाद हम निकलेंगे सामने के लिए। और ये भाई यहाँ पे SBM जो कि SBI की ही ब्रांच है, इंडिया में जो हमारा SBI रहता है उसी की ये ब्रांच यहाँ पर रहती है SBM नाम से। एंड ये देखो भाई प्लेस, एंड इसी के साथ सामने है ये चर्च। Okay, that one. This one. Okay. So यहाँ पे मॉल अंदर जाके, यार यहाँ पे ठंडा है ना, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अपने घर पे आ गया हूँ। आपके इधर आएगा तो पैसा लेकर आना है, छोड़ो थोड़ा ऐसे ही घूमने आ जाते हैं ना अभी। सो ये यहाँ का शॉपिंग मॉल, बट अभी यहाँ पर शॉप जो है वो ओपन हो रही है जस्ट अभी, बहुत कम शॉप्स है जो अभी ओपन हुए यहाँ पे। पूरा शॉपिंग मॉल्स तो अभी खुले नहीं है, यहाँ पे शॉप्स सारी मैक्सिमम बंद है अभी यहाँ पे। बट सो अभी हम निकल रहे हैं अपने वापस, सब इंडिया जैसा यार यहाँ पे भी, बिल्कुल इंडिया जैसा लगता है। लोगों से बात करोगे तो मैक्सिमम लोग तो यहाँ हिंदी में बात करते रहते हैं। सुबह ये है यहाँ का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो ऑफिस रहता है, MC ऑफिस। भाई ने चाबी दी थी हमारे पास ताकि अगर हम गुम हो जाए तो वापस यहीं पे आ जाए। सो ये भाई सामने चर्च, एंड यहाँ पे है MC ऑफिस। एंड इसके बाद अभी हम निकलेंगे सामने की तरफ। सो भाई ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन, QPIP मेट्रो स्टेशन, एंड वो है बस स्टॉप, और वहीं से अभी निकलना है, वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है। एंड अभी कुछ यहाँ पे शॉप ले रहे हैं क्योंकि हम अभी एक मंदिर जा रहे हैं, बहुत ही ख़ास मंदिर है मॉरिशस का। सो अभी हम यहाँ पे कुछ सामान ले रहे हैं, फ्रूट्स अभी लिए हमने, देन इसके बाद हम निकलेंगे सीधे उस टेम्पल की तरफ। ये देखो भाई यहाँ की शॉप्स मस्त है, क्लीननेस काफ़ी अच्छी रखी है वैसे यहाँ पे। तो भाई जो ये प्लेस है ना काफ़ी ठंडा है, वैसे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 30-27 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो अभी है ना वो 15-20 के बीच में, मतलब सेम इतने टेम्परेचर है जितना अपने शिमला और हिमाचल में रहता है, सेम है। तो अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आके, फर्स्ट टाइम यहाँ पर इतना लो टेम्परेचर देखने को मिला है। सो अभी हम ढूंढ रहे हैं अपनी गाड़ी, वहाँ पर कहीं हमने पार्क करी थी आगे। सो चलते हैं, एंड इसके बाद आपको मैं दर्शन करवाने वाला हूँ मॉरिशियन महादेव के। सो भाई हम निकल चुके हैं QPIP सिटी से बाहर, QPIP सिटी इस जगह का नाम था है। सो अब हम जा रहे हैं यहाँ के एक फेमस स्पिरिचुअल प्लेस गंगा तलाव।
सो फाइनली अपनी प्लेस से काफ़ी ट्रेवल करने के बाद अब मैं पहुंचा हूं अपने फेवरेट प्लेस में, जो कि है, जब मैं मॉरीशस यहां पर आया था तो उस समय मेरा एक ड्रीम था एक तरह से कि मेरे को इस जगह पे जाना है। सो फाइनली आज मॉरीशस में 3 मंथ बिताने के बाद आज वो दिन आया है कि मैं यहाँ आ पाया हूँ। और देखना चाहते हो कौन सा प्लेस है? पहले तो आप पीछे देखिए कौन है, हर हर महादेव। नाउ मैं पहुँचा हूँ अभी गंगा तलाव, गंगा बेसिन। ये सेम इस तरह से जैसे हमारे इंडिया में हरिद्वार है ना, उसी तरह से जितनी मान्यता हमारे देश में हरिद्वार की है उसी तरह से यहाँ की मान्यता भी है। यहाँ पर जो ये शिव की मूर्ति बनी है 108 फीट ऊंची मूर्ति बनी है, और साथ ही पीछे माँ दुर्गा की मूर्ति भी बनी है, ये भी लगभग 108 फीट की मूर्ति बनी है। तो अभी हम जस्ट यहाँ पहुँचते हैं, अभी यहाँ का एक पूरा टूर मैं आपको करवाता हूँ। सो भाई ये देखो, यहाँ पर आप कर लीजिए महादेव जी के दर्शन, हर हर महादेव। और इसी के साथ यहाँ पर है माँ दुर्गा की मूर्ति, ये भी 108 फीट ऊंची मूर्ति है। एंड अभी हम गए थे, अपनी पूजा अर्चना सब कुछ कर ली, उसके बाद सोचा कि अब थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे शूट करते हैं। तो यार एक सपना था, एक ड्रीम था मेरा कि यहाँ पर मेरे को आना है अगर मैं मॉरीशस जाऊँगा, तो फाइनली आज वो ड्रीम मेरा पूरा हुआ। सो ये रहे अपने महादेव। इसके बाद थोड़ा आगे और हम जाएंगे, आगे भी काफ़ी अच्छी लोकेशंस है। सो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ये देखो यार बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही मुझसे। जस्ट लीव इट, बस आप मज़े लीजिए यहाँ के। सो भाई अभी हम सोच रहे थे कि हम ऊपर इस टेंपल स्टैचू के पास जाएंगे, बट वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा पाए। एंड अभी थोड़ी देर यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, हम सभी यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक तालाब है जिसे कि गंगा तालाब नाम से जाना जाता है, तो वहाँ हम जाएंगे। और ये देखो अपने महादेव जी साथ साथ। सो नाउ वी आर लिविंग, अभी हम यहाँ से जाएंगे आगे, एक गंगा तालाब नाम की जगह है वहाँ पे हमें जाएंगे। सो वन आइलैंड मैनी पीपल्स ऑल मॉरीशस। नाउ यहाँ से निकल पड़े हम सामने के लिए, एंड सामने है गंगा तालाब। यस, दिस आई वांटेड टू सी दिस दिस टेंपल। यस, वी गो टू दिस, दिस इज द गंगा तालाब। या सो फाइनली अभी हम शिव स्टैचू के पास थे जो अपने मॉरीशियन महादेव थे, देन उसके बाद अभी हम आए हैं गंगा तालाब के लिए। तो यहाँ पर ये काफ़ी फेमस टेम्पल है यहाँ पे। सो अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, देन इसके बाद हम जाएंगे अंदर मंदिर की तरफ। एंड यहाँ पर एक तालाब है जिसे कि गंगा तालाब के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो है हरिद्वार से भी पानी लाया गया था जो कि इसमें मिला दिया गया था, देन उसके बाद से ही शायद इसे गंगा तालाब के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये मॉरीशस में सेम वैसा ही है जैसे अपने इंडिया में हरिद्वार है। सो चलो अभी आपको ले चलते हैं आगे, बट अभी हमें तैयार करनी है अपनी पूजा की थाली यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं पूजा की थाली तैयार। वेयर द सैंडल्स, धूप अगरबत्ती। सो भाई पूजा की थाली हो चुकी है तैयार, और अब हम निकल रहे हैं अंदर मंदिर के लिए। सो वो सामने है गंगा तालाब। ओके चलो निकलते आगे थोड़ा। सो हम यहाँ पे खाली बॉटल्स भी ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे अपने हरिद्वार से पानी ले जाते हैं ना घर के लिए, वैसे ही यहाँ पर जो लोग हैं इस तालाब से पानी ले जाते हैं। सो भाई ये है यहाँ पे एंट्रेंस, और अब हम जा रहे हैं गंगा तालाब। बहुत टाइम से ये मेरा ड्रीम भी था यहाँ पर कि मेरे को आना है। जब मैं मॉरीशस के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था आने की, तो मैंने बहुत सारी जगह जो है वो इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर ली थी कहाँ कहाँ मुझे जाना है। तो सबसे पहली जगह थी ये जो मैंने चाही थी कि मुझे यहाँ आना है। आज फाइनली मेरा वो जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। लुक, thank you.
सो मंदिर में हमने अंदर जाकर पूजा कर ली और इसके बाद अब हम आए हैं यहाँ पर गंगा तालाब में एंड अभी वहाँ जाकर पूजा करनी है। देन ये देखो यार, ये है गंगा तालाब और लोग जो है यहाँ से अपने घरों में पानी भर कर ले जाते हैं, जैसे हम हरिद्वार से पानी भर कर ले जाते हैं ना घरों के लिए, वैसे ही यहाँ से भी लोग जो है वो अपने घरों के लिए पानी भर कर ले जाते हैं। तो ये आप देखिए भगवान दत्तात्रेय और भोलेनाथ जी, माँ गंगा, और वहाँ तक लोग जो है वो इस तालाब की परिक्रमा करते हैं। देन वो महादेव जी जहाँ पर अभी हम थे पहले, एंड इसके बाद हमें वहाँ पर जाना है उस टेंपल पे, एंड देन वहाँ पर ऊपर उस पहाड़ पे है हनुमान जी का मंदिर, तो वहाँ भी हम जाने की कोशिश करेंगे कि जाए। पर चलो अभी हम निकलेंगे सामने की तरफ। भाई यहाँ देखो आप, मछली ही मछलियाँ पानी में, ढेर सारी मछलियाँ ही मछलियाँ, ये देखो। सो भाई भाई साहब को लगी है गर्मी, भाई साहब पी रहे पानी। नाउ वी नीड टू फिल दिस, ओके। सो भाई अभी हम भरेंगे यहाँ पर पानी भाई को, क्योंकि अपने घर ये पानी ले जाना है यहाँ से। सो हम भरेंगे यहाँ पर पानी और देख सकते हो मछलियाँ ही मछलियाँ यार यहाँ पे, कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ ना, वो देखो रेड कलर ऑरेंज कलर की मछली। आज का दिन मॉरीशस में सबसे अच्छा दिन है आज का। ये देखो जी भर लिया हमने पानी, अभी देखो आपको एक जादू दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो देखा, भाई साहब आप खाओगे? हाँ ये खाएंगे ना भाई साहब खाएंगे। ये देखो ये देखो, अरे भाई साहब खाते हैं यार। मछली पकड़ रही है, मछली पकड़ने की तैयारी है इसकी। बाय। ओ भाई इसे मछली तक नहीं मिली अभी। तो भाई यहाँ पर हमने पूजा कर ली अभी और इसके बाद अब देखते हैं किसी दूसरे टेंपल पे हम जाएंगे। सो भाई अभी मंदिर से तो हम वापस आ चुके हैं और अभी प्लान पता नहीं है कहाँ जाएंगे। अपने साथ जो भाई है ये लोकल है यहाँ के, तो जहाँ ये ले जाए वहाँ जाएंगे। बाकी आजकल यहाँ पर जो है ना वो शिवरात्रि की तैयारियाँ चल रही है, महाशिवरात्रि आपको पता है कि आई थिंक 8 तारीख को है। सो उसके लिए आजकल बहुत तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से चली है, वो मेरे पीछे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है, पूरे रास्ते से हम आ रहे थे तो ये जितने भी पोल्स है या जितनी भी आसपास जो चीज़ें हैं उनको सबको ठीक किया जा रहा था। सो अभी तैयारियाँ जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं और यहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कांवड़ यात्राएँ भी निकलती हैं आजकल। अभी जो महाशिवरात्रि आने वाली है तो उस पर यहाँ पे अभी कांवड़ यात्राएँ निकलेगी, सो उसके लिए भी तैयारियाँ चली है महाशिवरात्रि के लिए। सो चलो अभी जाएंगे हम कहीं और, देखते हैं कौन सी जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगी, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हो रहा है अनप्लान्ड है, कुछ भी मैंने इतना प्लान नहीं किया था कहीं भी जाने का। सो वहाँ पे हमने अभी अपनी कार पार्क की है एंड इसके बाद अभी हमने जाना है वहाँ ऊपर, एक हनुमान जी का टेंपल है वहाँ पर जाना है। और इससे पहले आपको पता है हम आए थे यहाँ पर, ये सामने आप तालाब देख रहे हो, यह है गंगा तालाब। तो यहाँ पर हम अभी थे, वहाँ पे हमने पूजा की थी, वो दिखे शिव जी का मंदिर एंड वहाँ पर वो कैट्स एंड बतख जो थी वो खेल रहे थे, वो अपने महादेव जी। तो ये है पूरा एक गंगा तालाब और इसी के साथ यहाँ पर अभी श्री राम मंदिर जो है वो बन रहा है एंड अभी हमें जाना है ऊपर, वो टॉप पर जो आपको झंडा दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम जाएंगे, ये है हनुमान मंदिर यहाँ का। तो वही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये जगह, बहुत ही सुंदर है, मुझे तो भाई बहुत पसंद आई ये जगह। सो भाई ये जाता है हनुमान मंदिर के लिए रास्ता, भाई देख सकते हो बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ पेड़ है
एंड सामने वहाँ पे तालाब है। और यहाँ का जो भी टेम्परेचर है ना, मतलब बहुत सही टेम्परेचर बना है, मतलब गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही यहाँ पे। यहाँ का जो टेम्परेचर होगा आई थिंक 16 या 17 के आसपास लग रहा है अभी मुझे। सो इट्स वेरी गुड यार, हनुमान चालीसा। पहुंच चुके हैं हम हनुमान मंदिर, और ये आप देखो हनुमान मंदिर से सामने का व्यू, चारों तरफ जंगल ही जंगल, वो सामने गंगा तालाब, वहाँ पर हम आए थे, वहाँ से पूरा घूमते हुए अब पहुँचे हैं हम यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में, जिसको दर्शन करेंगे सबसे पहले हनुमान जी के। जय बजरंगबली। सो बजरंगबली जी के दर्शन करने के बाद निकलते हैं इस मंदिर से बाहर, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक और व्यू। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, एंड ये आप देखो भाई सीक्रेट लेक। जय बजरंगबली। ये देखो यार व्यू आप उस पूरे टेंपल का, ये है गंगा तालाब, एंड लुक एट दिस व्यू द सीक्रेट तालाब। वो उधर समंदर दिखाई दे रहा है, वो पहाड़ भी है समंदर भी है, और ये है यहाँ का गंगा तालाब। मज़ा आ गया यार, आज का दिन मेरी जीवन का एक सबसे अच्छा दिन है। सो ये था मंदिर, मंदिर के दर्शन हमने कर लिए, एंड चलो अब चलते हैं यहाँ से वापस। एंड इसके बाद भी अभी कहीं और भी जाने का प्लान है, तो देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे हम। हाँ, तो भाई बहुत ही प्यारी जगह थी, अगर मॉरीशस आओ ना आप कभी तो इस जगह पर ज़रूर घूमिएगा, बहुत ही अलग सी वाइब है, बहुत ही प्यारी वाइब है यहाँ की। लेट्स गो, चलते हैं वापस। इस मंदिर को जाते जाते ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जाखू की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। शिमला में जो जाखू टेम्पल है ना सबसे फेमस, ऐसा फील हो रहा है कि वहीं की चढ़ाई चढ़ रहा था मैं हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए। भाई मंदिर से तो आगे पैर ना जल रहे हैं, नीचे बहुत गर्म हो रखी है ना ये रोड। सो भाई आ गए हम अपनी गाड़ी के पास फाइनली, देन इसके बाद नेक्स्ट प्लान पता नहीं कहाँ का है, अभी देखते हैं भाई जहाँ के लिए बोलेंगे वहाँ निकलेंगे। तो भाई बोल रहे हैं आज की आपको सरप्राइज ही सरप्राइज देंगे, और ये भाई अपने साथ कलीग है, अपने कलीग है जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहीं पर जॉब करते हैं। लेट्स गो, चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। I'm going through the, if I do the main road, it's traffic, okay? So भाई पूरा ट्रेवल करके वहाँ से 10 किलोमीटर हम आए हैं एक और टेम्पल में, ये है तमिल टेम्पल यहाँ पे। और अपने साथ जो एदिलन भाई है ये तमिल है, सो ये यहाँ पर आते रहते हैं, तमिल टेम्पल है ये। सो अभी मुझे नाम भी नहीं एग्जैक्ट पता इस मंदिर का, तो सो अभी हम यहाँ पहुँचे एंड नंगे पैर से, भाई बहुत गर्म है ये, नीचे पैर नहीं रखे जा रहे ढंग से, तो एडियो के ऊपर ही चलना पड़ रहा है यहाँ पे। सो अभी निकलेंगे हम अंदर मंदिर की तरफ, काफ़ी खूबसूरत काफ़ी सुंदर मंदिर है यार, ये देखो आप बिल्कुल पीसफुल बिल्कुल शांत। चलो भाई ये है एंट्रेंस मंदिर की, पहले हम जाते हैं अंदर मंदिर के दर्शन करने, उसके बाद आपको वहाँ जो वो एरिया है उस एरिया में पर। भाई उस मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, एंड इसके बाद यहाँ पे आप देखो कितना खूबसूरत सा शिवलिंग यहाँ पर बना है, और साथ में वहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर बने हैं भगवान हनुमान जी के, शनिदेव महाराज जी के, और भी बहुत सारे मंदिर। और ऐसा फील हो रहा है अभी यहाँ पे जैसे कि मैं भी इंडिया के साउथ पार्ट में आया हूँ,
तमिल टेंपल है ये, सो देख सकते हो आप यार वाइब बहुत ही प्यारी वाइब यहाँ की है भाई। ये था वो टेंपल, तो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। एंड यहाँ पे खड़ा नहीं रह जा रहा यार, बैठते हैं अंदर। सो भाई अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल पे। 35-40 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर शॉपिंग मॉल पे। सो ये है यहाँ पे शॉपिंग मॉल, एंड यहाँ पे अभी खाना भी खाना है, तो अभी हम खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो अभी हम खाना खा लेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है हमें। सो गाइस, वी आर इन द मॉल, वी आर इन द मॉल, वी आर इन द मॉल। भाई ये मॉल का नाम पढ़ लेना खुद ही, क्योंकि ये मेरे को प्रनाउंस करना नहीं आ रहा अभी यहाँ पे। सो चलो घुमाते हैं आपको थोड़ा सा मॉल, ये मेरे से प्रनाउंस ही नहीं हो रहा था यार। सुन रहे हो गाने, ये आजकल तिब्बतन न्यू ईयर यहाँ पे मना रहे थे, तो उसका ये और ये बॉलीवुड सॉन्ग्स यहाँ भी लगे हैं। अभी हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खा पाए, तो ट्राई कर रहा हूँ कि इंडियन रेस्टोरेंट ही यहाँ पर मिले। सो अगर इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर मिलता है तो हम वहीं पे भी आज खाना खाएंगे। सो भाई यहाँ पर है काफ़ी रेस्टोरेंट और इंडियन रेस्टोरेंट भी काफ़ी है यहाँ पे। सो अभी हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कोई बेस्ट सा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम सभी के लिए खाना मिल पाए, क्योंकि मेरे साथ जो दो लोग हैं ये नॉन वेजिटेरियन है और मैं हूँ यहाँ पे वेजिटेरियन। तो यहाँ पर है दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, सो यहाँ पे खाना खाएंगे दिल्ली दरबार, टेस्ट ऑफ इंडिया। सो भाई यहाँ पे है सेल्फ सर्विस, सो यहाँ से हमें लेना होगा खुद से ही। सो लेट मी टेक, गिव मी दिस वन। चलो भाई हमारे कोक भी आ गए, वैसे तो मैं पीता नहीं हूँ, कभी कभी पी लेता हूँ। सो अपने कोक आ गए और थाली आ रही है अभी। लो भाई आ गई अपनी थाली। भाई यहाँ पे जहाँ भी देखो बॉलीवुड के सॉन्ग्स ही चल रहे हैं अभी। ये रही अपनी थाली। तुम यही कर सकती हो, इसका लिपस्टिक ख़त्म हो गया था, लिपस्टिक की शॉप में गई और वहाँ पे टेस्ट करके ले आई। सही था। सो भाई खाना खा के वापस आ चुके हैं। खाना बना था एकदम मस्त, कैसा था भाई खाना? वाओ सुपर, सुपर था ना, तुम तो आधा छोड़ के आ गए वैसे भी। खाना मस्त था एकदम, कलर बहुत ज़्यादा था, कलरफुल खाना था, रेड कलर। सो चलो अभी हमें निकलना है कहीं और, किसी और डेस्टिनेशन पे, देखते हैं कहाँ निकलेंगे हम। सो चलो की है वो जाना, उलाला उलाला सो भाई एक और आपको मस्त वाली डेस्टिनेशन में दिखाता हूँ। तो इस जगह का नाम है गिरगिरी, गिरगिरी डेस्टिनेशन। सो देखना चाहते हो, देखोगे है ना, जगह मस्त। वो देखो वहाँ पे सी, सी साइड, वाओ दिस इज गुड ना, लुक दैट प्लेस। भाई मैं हूँ यहाँ पे पहाड़ में और यहाँ से सामने का व्यू एकदम ठंडा ठंडा। तो और जबरदस्त मेरे हाथ में आपको वो देखो, कुदरत का करिश्मा।
प्लेस है ना, मस्त। वाओ यहाँ पे सीधा पानी नीचे जाते हैं, ऐसे इसीलिए हम आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा। अभी 10 किलोमीटर बाद और ट्रैवलिंग करने के बाद अभी हम पहुंचे एक और बहुत ही ख़ास जगह पे, और आज की जो हमने ट्रैवलिंग की है इसकी ये लास्ट डेस्टिनेशन है आज की। ये रोड है और रोड के साथ है सामने समंदर, और अभी हमें जाना है वहाँ पे ऊपर टॉप पे। टॉप से जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाऊँगा। सो चलेंगे अभी ऊपर, एंड ये आप देखो यार व्यू। सो चलो भाई, ये देखो आप व्यू यहाँ पे सामने का। सामने पहाड़ है यार, बड़े बड़े पहाड़ है काफ़ी, और पहाड़ के साथ है यहाँ पर समंदर। नाउ लुक यार, बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है ये, एंड ये है सामने समंदर। बहुत ही प्यारा सा और पहाड़ चढ़ते हैं यहाँ से ऊपर। सो भाई ये है यहाँ पे टॉप का व्यू, वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से नदी आ रही है। अभी से यहीं से हम आगे जाएंगे, एंड वहाँ से नदी आ रही है और सीधी आके समंदर में मिल रही है। एंड ये है लेमोन, यहाँ पे एक माउंटेन है बहुत फेमस वो। एंड व्यू देखो यार यहाँ से, जो वहाँ से भी हम आए हैं। एंड सो भाई वो देखो आप वहाँ पे सामने कुदरत का नज़ारा, रेनबो बना है, बहुत ही मस्त वाला रेनबो बना है वो देखो, है ना मस्त। बाकी अभी इन लोगों का फ़ोटोशूट यहाँ पे चला है मस्त वाला, मेरी कोई फ़ोटो नहीं ले रहा, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम भी। बट वो देखो यार माउंटेन मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब बहुत टाइम बाद नई जगह देखने को मिली है, नई जगह देखने को मिली है। ओके ये देखो सामने समंदर, और समंदर है बिल्कुल नीला नीला समंदर, हरा हरा समंदर। एंड अभी हम जाएंगे सामने की तरफ, जाओ नहीं तुम जाओ। तो भाई आप चल रहे हैं वापस यहाँ से आपको व्यूज दिखा दिया। या यस यस आई विल पुट दिस फोटो। सो चलो भाई निकलते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो भाई ये थी हमारी आज की जर्नी, एंड स्पेशल थैंक्स फॉर मिस्टर एदिलन जो हमें यहाँ पे लाए, और स्पेशल थैंक्स फॉर मिस मीरा जो कि इस पूरी ट्रिप में सोई रही। सो अब खा लेते हैं यहाँ पर आइसक्रीम, देखते हैं कौन सी वाली सही रहेगी। चॉकलेट कौन? देखो भाई सामने है बीच, तो यहाँ तो हम वैसे भी आते जाते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको बीच का भी पूरा व्लॉग लेकर आऊँगा, वैसे मैंने बनाया भी है पहले। सो अभी हम मज़े लेंगे यहाँ पर आइसक्रीम के। तो भाई ये आ गई अपनी आइसक्रीम। वही ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडवेंचर के साथ, नेक्स्ट ट्रेवल जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।